भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की जानिब से तेलंगाना प्रगति भवन के रूबरू एहतजाज किया गया और तेलंगाना के वज़ीर-आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मौके पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। देखिए बीजेपी कारकुनों का क्या कहना है। बीजेपी को जीते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि केसीआर क्या है, लेकिन केसीआर और टीआरएस के लोग अभी भी सीट के ऊपर बैठकर हमको ये वर्डिक्ट नहीं दे रहे। इसलिए हम आज प्रगति भवन पे आए, हम उनको बात करने के लिए सोच रहे, लेकिन वो हमको अरेस्ट करके ले जा रहे। ये केसीआर का डाउनफॉल है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में भी केसीआर को यही होगा। ये हमको समझना चाहिए, जीतना चाहिए, बीजेपी को जिताना चाहिए। एक बार हमको अवकाश दीजिए, हम यहाँ है। इसलिए हम आज आप सबसे पूछ रहे, जो लोग हमको वर्डिक्ट दिए, हमको जिताए, हमको पावर है, लेकिन आज भी टीआरएस के लोग गली में घूमकर हम कॉरपोरेटर है बोल के बोल रहे। ये है केसीआर का राज आज, यही आप सबको समझना चाहिए। हम जय हिंद।